सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वेलकम टू ऑटो बादशाह चैनल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं प्रभ और आप देख रहे हैं ऑटो बादशाह। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये मैंने सेकंड पार्ट बना रहा हूं। पहला मैंने पार्ट बनाया था कि जब आप सर्विस सेंटर पे बाइक देते हैं तब क्या क्या चेक करना चाहिए। अब जब आप बाइक रिसीव कर रहे हैं उस टाइम पे आपको क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे पांच ऐसे पॉइंट्स कि जब आप अपनी बाइक सर्विस पे देने जाते हैं तो आप उससे पहले वो पॉइंट्स चेक कीजिए, अपनी बाइक जो है वो दीजिए, चेक करके अपनी बाइक जो है वो दीजिए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे पॉइंट्स कि जब आप अपनी बाइक डिलीवरी लेने जाते हैं बाइक की सर्विस सेंटर से, तब आप वो चीजें वहाँ चेक कीजिए अच्छे से। एक ऐसा पॉइंट है जो वहाँ पर चेक नहीं हो पाएगा, या अगर तो मेजर होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे पहली चीज दोस्तों, जब भी आप कभी अपनी बाइक की डिलीवरी लेते हैं तो प्लीज उसकी टेस्ट राइड लीजिए। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी इससे रिलेटेड, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं क्लिक करके। तो दोस्तों, मैंने उसमें बताया था कि टेस्ट राइड जो है वो हर स्पीड पे लेनी है। वैसे ही आपकी बाइक जब आपको सर्विस होके मिलेगी तब आप उसकी अच्छे से टेस्ट राइड लीजिए। कहीं पर भी कोई जैसे पटाखा वटाखा कभी बार बाइक जो है वो मारने स्टार्ट हो जाती है, वो दोस्तों फॉल्ट होता है। तो वो अगर आपकी बाइक में आ रहा है तो आप वहीं पर चेक हो जाएगा। अगर बाइक मिसिंग कर रही है तो भी वहीं पर चेक हो जाएगा। दोस्तों, हम सोचते हैं यार फ्री सर्विस की है, उसमें करते ही क्या है, खाली वॉशिंग करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वॉशिंग अगर बाइक की गलत तरीके से की जाए तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो हैं वो ख़राब होते हैं, कुछ भी खराब हो सकता है अगर ढंग से उसकी सर्विसिंग ना की जाए। तो आपको वो जब तब पता लगेगा जब आप वो बाइक टेस्ट राइड पे लेके जाएंगे और हर जो है स्पीड पे 40 टू 50 की स्पीड पे, 60 टू 80 की स्पीड पे, जब आप बाइक को इन सब स्पीड्स पे चला के चेक करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई में ही आपकी बाइक प्रॉपरली सही है, या उसमें कोई फॉल्ट है, पटाखे तो नहीं मार रही, मिसिंग तो नहीं मार रही। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो टेस्ट राइड में हमें पता लग सकती हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हमारी बाइक की जो टेस्ट राइड है वो हम ज़रूर लेंगे डिलीवरी से पहले, अगर आपको कोई ऐसा इशू लगता है। दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं गुरप्रीत, उन्होंने जो है बाइक दी थी सर्विस के लिए, और जब वो सर्विस करा के वापस लेके आए तो बाइक पटाखे मार रही थी, उससे पहले नहीं मार रही थी, तो ये अभी तक उनकी बाइक में फॉल्ट है। और जब वो सर्विस सेंटर वहाँ बोलने गए कि सर के पटाखे मार रही, तो उसने बोला सर साइलेंसर की गलती है, तो आप साइलेंसर स्टॉक लगा दीजिए, नहीं मारेगी। अरे भाई, साइलेंसर अगर स्टॉक लगा ही दिया तो आवाज़ कहाँ से आएगी पटाखे की, चाहे वो मार भी रही होगी चाहे वो नहीं मार रही होगी, तो पता कैसे लगेगा। वो तो ये वाला साइलेंसर लगा हुआ था, तो बाइक जब पटाखे मारना स्टार्ट हुई तो एक्सेलरेट करते ही जब डी एक्सेलरेशन होती है तो पटाखे मार रही है, तो वो सर्विस सेंटर वाले उन्हें ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी तरफ। तो ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, ये उसी टाइम टेस्ट राइड लेके आप चेक कीजिए और उनको बताइए सर ये फॉल्ट है, आप मुझे ठीक करके दीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत बार ये गलती होती है मैकेनिक से, अक्सर हो जाती है, जल्दबाजी में रश ज़्यादा होता है, वो जो ऑयल बोल्ट होते हैं ना दोस्तों नीचे के, वो लूज छोड़ देते हैं। मेरे साथ हुआ है, मेरे अभी हाल ही में एक सब्सक्राइबर हैं सुमित, वो गए थे सर्विस सेंटर पे, उनकी भी फ्री सर्विस पेंडिंग थी, उन्होंने सर्विस कराई, वो चलाते रहे ऐसे ही बाइक और सारा का सारा तेल जो है वो ऑयल बोल्ट्स उसके लूज थे और गिर गया सारा। तो फिर उनको दोबारा टॉप अप करना पड़ा। तो यार, बिना ऑयल के दोस्तों अगर बाइक चलेगी तो क्या होगा, आप खुद सोचिए इस चीज़ के बारे में। तो उनको ऑयल बोल्ट्स जो थे वो लूज थे, उन्होंने बाद में टाइट कराए, फिर टॉप अप कराया, ये वो सौ पंगे। तो आप ऑयल बोल्ट्स अब ऐसे झुक के नहीं चेक करेंगे, जब आप टेस्ट राइड लेंगे, टेस्ट लेके जब आप वापस आएंगे, अगर आपके दो मिनट आप बाइक सेंटर स्टैंड पे लगा के खड़ी कीजिए, सिर्फ दो मिनट, और अगर उसमें से ऑयल जो है वो सीधा नीचे टपक गया, समझ लीजिए जमीन पर, अगर चैम्बर के नीचे जमीन पर कहीं पर भी ऑयल अगर टपका तो समझ लीजिए ऑयल बोल्ट्स लूज हैं। आप बता सकते हैं कि सर ऑयल लीक हो रहा है, आप इसको चेक करके दीजिए। कभी कभार दोस्तों ऐसा भी होता है कि ऑयल बोल्ट अगर टेढ़ा मेढ़ा चढ़ा दिया जाए तो उसकी चूड़ी तक खराब हो जाती है। अब वो चढ़ाने वाले की गलती है और सफ़र आप करेंगे। दोस्तों, ये चीज़ आप चेक कीजिए ज़रूर। तो उसके बाद दोस्तों, तीसरा पॉइंट, जब आप टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे तो आपको यही पता लगेगा कहीं से बाइक बबलिंग तो नहीं मार रही,
क्योंकि चैन टाइट करते हुए कभी कभार बोल्ट वोल्ट लूज छूट जाता है या कुछ उनसे कुछ मिस हैपनिंग हो गई बाइक में, तो बाइक जो है वो आपकी बबल कर सकती है। कभी कभार वॉशिंग के टाइम झूले में पानी चला जाता है बुशेज में, तो वो जंग लगता है, आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी आप चीज़ एक बोल सकते हैं कि भाई साहब अभी तो सर्विस कराई थी उसके बाद ये दिक्कत आ गई। तो बॉडी लाइन ज़रूर चेक कीजिए सारी की सारी, जो कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो टूट सकते हैं गिरने से बाइक या कुछ ऐसा हो सकता है, तो ज़रूर आप चेक कीजिए उन सब चीज़ों के इंडिकेटर्स जो हैं। अगर गिरने से आपके जो नंबर प्लेट हो गई आगे पीछे की और टैंक वैंक स्क्रैच वैच सब अच्छे से चेक कीजिए, कहीं कोई स्क्रैच नया तो नहीं दिख रहा आपको, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि सर ये सब दिक्कतें आ रही हैं आप मुझे ठीक करके दीजिए। तो तीसरा पॉइंट हो गया बॉडी लाइन का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बारे में। हमेशा हेडलाइट इंडिकेटर्स और बैकलाइट ये सब चीज़ें चेक करके लीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं, पहला वाला जो मैंने पॉइंट बोलता है टेस्ट ड्राइव वाला, अगर आप लेते हैं तो उसी टाइम अगर बाइक मिसिंग मांग रही है, पटाखे मार रही है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि हाँ यार कुछ इंटरनल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में कुछ फॉल्ट है जिससे कि करंट पूरा नहीं बन रहा और बाइक मिसिंग मार रही है, तो ये सब चीज़ें उसी टाइम चेक हो जाएगा। तो इंटरनली तो ऐसे चेक हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों एक्सटर्नली वही लाइट्स वाइट सब आप चेक कर लीजिए अच्छे से, जल रही है नहीं जल रही है, कुछ स्विच में प्रॉब्लम या कभी कभार आ जाती है ब्रेक लाइट, कभी कभार जलती रहती है स्विच खराब होता है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों चेक करके लीजिए। पानी वानी डलने से अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप एक बार बाइक जो है डिलीवरी करने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लीजिए। दोस्तों लास्ट पॉइंट जो है ये ऑयल के रिगार्डिंग है। आप वहाँ पर तो एक्चुअली ये चीज़ चेक नहीं हो पाएगी, आप घर आइए आराम से, बाइक को रात को खड़ा कीजिए सेंटर स्टैंड पे खड़ा कीजिए और सुबह आगे उसका एक बार दोस्तों ऑयल लेवल ज़रूर चेक कीजिएगा। अब दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ऑयल लेवल चेक कीजिए, दोस्तों मैंने खुद ये चीज़ देखी है, मेरे सामने की बात है, मेरा फ्रेंड था नंदन, क्या हुआ उसने सर्विस कराई, उसने क्लच का काम कराया, सारा काम करवाया बाइक का, उसकी बाइक लगी नहीं रही थी कि कुछ काम हुआ ऐसा। मैंने भी चला कर चेक की, तो मैंने सर्विस कराने जाना था बाबा सर के पास, तो मैं ले गया उनके पास, तो वहां पर जाके उसकी बाइक में से दोस्तों 3 दिन पहले उस बाइक की सर्विस हुई है, क्लच का काम हुआ है और 2 लीटर तेल एक्स्ट्रा निकला है। अब आप खुद सोच सकते हैं 2 लीटर तेल एक्स्ट्रा, और अगर उसमें 2 लीटर तेल एक्स्ट्रा जो निकला है आप सोचिए जो वो 3-4 दिन से चला रहा है, ऑयल सील्स पे प्रेशर पड़ता है, पैकिंग पे प्रेशर पड़ता है, इंजन ढंग से दोस्तों नहीं चल पाता, और इससे दोस्तों ऑयल सील्स हैं वो भी जो है वो डैमेज हो सकती हैं। बाबा सर ने उसकी बाइक में से 2 लीटर तेल फालतू निकाला और उसके बाद हमें लेवल चेक कराया, ये देखिए अब लेवल सही आया है और उसकी बाइक उसके बाद एकदम मक्खन हो गई, एकदम पानी की तरह हो गई बाइक, बहुत बढ़िया चलने लग गई। दोस्तों ये ऐसा भी होता है सर्विस सेंटर से जब आप सर्विस करा के लाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर वो मेरा फ्रेंड लॉन्ग रन में वो चलाता रहता है बाइक, तो दोस्तों बैड इफेक्ट इंजन पे पड़ता, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जैसे अभी मैंने आपको बताई सील फटना या ये सब कुछ। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए, ऑयल लेवल हमेशा चेक कीजिए, वहाँ पर नहीं हो सकता, वहाँ पर रीड नहीं कर पाएंगे ऑयल लेवल, तो दोस्तों आप घर आइए, घर आके रात को बाइक खड़ी कीजिए, सुबह देखिए सेंटर स्टैंड पे जो है बाइक लगाइए, सुबह तक देखिए तो सेटल हो जाएगा सारा सम में, तो आपको जो ओरिजिनल ऑयल लेवल का जो है कितना है बाइक में वो आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये जो 5 टिप्स थी, इसको आप अगर आप डेली रूटीन में सर्विस की रूटीन में चेक करते रहेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपको ये भी पता लगता रहेगा कि कैसे आपकी सर्विसिंग हो रही है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके मेरी वीडियोज की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, राइड सेफ राइड हार्ड, अलविदा, बाय बाय।